कारनगरी बाड़मेर में क्षेत्रीय मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल बाड़मेर और 50वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता के क्रम में शहर से सरहद तक पौधरोपण अभियान के तहत सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम 50 वाहिनी परिसर बाड़मेर से आयोजित किया गया, जिसमें विनीत कुमार डीआईजी बीएसएफ बाड़मेर और नरेश चतुर्वेदी कमांडेंट 50वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के साथ परिसर में उपस्थित सभी अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों ने सपरिवार हिस्सा लिया। सीमा सुरक्षा बल ने अनूठी पहल करते हुए शहर से सरहद तक पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सेक्टर एवं वाहिनी मुख्यालय के अलावा पश्चिमी सरहद पर बड़ी तादाद में पौधरोपण किया गया। इस अभियान में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, जवानों और उनके परिजनों ने शिरकत की। रविवार को बाड़मेर सेक्टर मुख्यालय में 50वीं वाहिनी की ओर से आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान उप महानिरीक्षक विनीत कुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में सबसे बड़ी भागीदारी जरूरी है। सीमा सुरक्षा बल सरहद की हिफाजत के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि सेक्टर मुख्यालय से बॉर्डर तक बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जा रहा है। इस दौरान उप महानिरीक्षक विनीत कुमार ने कहा कि पौधरोपण करने के साथ उसके वृक्ष बनने तक सार संभाल की जाए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में आमजन की सक्रिय भागीदारी की जरूरत बताई। बीएसएफ की 50वीं वाहिनी के कमांडेंट नरेश चतुर्वेदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यक्रम में सहभागिता के लिए सबका आभार जताया। ये वृक्षारोपण हमने प्रण लिया है और गृह मंत्रालय के भी आदेश है, तो आज से ये हमने अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें हमने यहाँ कैंपस की फैमिलीज, बच्चों को भी शामिल किया है और आने वाले टाइम में करीबन 1,00,000 पौधे हम सीमावर्ती इलाकों में, बटालियन हेडक्वार्टर्स में और जहाँ भी हमको कोई बोलेगा वो हमने प्रण किया है कि वहाँ सब लगाएंगे, ताकि अपना बाड़मेर का इलाका हरा भरा रहे। और इसको सींचने का भी हमने प्रबंध किया है, इसके लिए हमने पानी की सप्लाई का प्रबंध कर दिया है, ताकि ये पौधे मरे नहीं और आगे चल के ये इलाके को हरा भरा रहे। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, जवानों और उनके परिजनों ने पौधरोपण कर उनकी संभाल का संकल्प लिया। सीमा सुरक्षा बल क्षेत्रीय मुख्यालय और 50वीं वाहिनी की ओर से सीमा सुरक्षा के साथ पर्यावरण सुरक्षा की प्रतिबद्धता के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार ये पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नीम, शीशम, पीपल, कैर सहित विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। इसी तरह सीमा सुरक्षा बल 142 वाहिनी परिसर में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों ने पर्यावरण प्रथम रक्षा पंक्ति शीर्षक के साथ परिवार सहित पौधरोपण अभियान चलाया। इस मौके पर द्वितीय कमान अधिकारी और कार्यवाह कमांडेंट पारसमल जीनगर के नेतृत्व में अधिकारियों, जवानों और उनके परिजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पौधरोपण अभियान के तहत एक फोटो वाहिनी की ओर से भारत पाकिस्तान सरहद पर 2200 और वाहिनी परिसर में 1100 पौधे, कुल 3300 पौधे लगाए गए।